तो गाइस पिछले 24 घंटों में आखिर क्या हुआ WWE में, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस एक बार फिर से दी फाइनल बॉस यानी कि दी रॉक का रिटर्न एक बार फिर से होने वाला है WWE में। नेक्स्ट बेकी लिंच ने क्या सच में WWE छोड़कर दूसरे यहाँ रेसलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर ली है? तो गाइस WWE ने एक बार फिर से अपने नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज कर लिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। गाइस हर रोज ऐसे ही न्यूज एंड अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस हर चीज आपको ऐसे ही WWE से रिलेटेड देखने को मिलता रहेगा चैनल पर। गाइस एक बार फिर से यहाँ पर रॉमेज का जो नेक्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है वो होगा यहाँ पर 13 सितंबर को। हालांकि गाइस यहाँ पर रॉमेज को काफी समय हो चुके हैं स्मैकडाउन पर रिटर्न किए हुए, इस बार जो उनका स्मैकडाउन पर रिटर्न देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर 13 सितंबर को। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट जे उसो का ऐसा मानना है कि उनका एक बार फिर से फैमिली फ्यूड हो, और यहाँ पर जे उसो ये भी बताते हैं कि उनको यहाँ पर फैमिली फ्यूड यहाँ पर एपिसोड देखने में काफी मजा आता है और ये फैंस को काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। इसकी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर द ब्लड लाइन ओल्ड ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन एक बार फिर से मैच इनके बीच देखने को मिले। उसके बाद गाइस फाइनली एक और मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड के बीच, और ये मैच आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हेल इन अ सेल में, जहाँ आप कोडी रोड अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। गाइस कल के यहाँ पर AEW इंडस्ट्री में यहाँ पर डेनियलसन के ऊपर काफी पूरी तरह से अटैक कर देते हैं जॉन मार्क्सली, और इनका जो यहाँ पर इनके बीच पार्टनरशिप था वो भी तोड़ जाता है। हालांकि इनके बीच एक काफी अच्छी बढ़िया दोस्ती भी थी, वो भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। वैसे गाइस यहाँ पर सोलो सिकोवा न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स बनने के बाद, उनका यहाँ पर लीडरशिप बनने के बाद, उनको यहाँ पर ब्लड लाइन की तरह से कोई भी गलती नहीं खलता, और इन्होंने काफी बढ़िया अचीवमेंट भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया WWE की तरफ से। जब से वहाँ पर WWE के न्यू ब्लड लाइन लीडर्स बने हैं वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी तरफ से। तो गाइस यहाँ पर लॉगन पॉल यहाँ पर बाप बनने जा रहे हैं, उन्होंने फाइनली अपने वाइफ का ये फोटो रिलीज किया, आप देख सकते हैं किस तरह उनकी वाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट है। तो गाइस एक बार फिर से यहाँ पर नेटफ्लिक्स का एरा स्टार्ट होने वाला है, जहाँ WWE को हम आसानी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वैसे गाइस आप इस मीम को देखकर आपको कैसा लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ली मॉर्गन का किस तरह एंट्री हो रहा है, डोमिनिक मिस्टेक कर रहे हैं, और यहाँ पर रिया रेपली हम मुंह छुपा कर भाग रहे हैं, और यहाँ पर और डेमन पेस्टर किस तरह यहाँ पर पानी में डूब रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जैको फातू को काफी बढ़िया से WWE की तरफ से बूस्ट मिल रहा है, जैको फातू इस समय कंटिन्यूअसली विन पे विन करते जा रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है डोमिनिक मिस्टेरियो को लेकर, डोमिनिक मिस्टेरियो के बारे में इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि 230 दिन हो चुके हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को, इसमें एक दिन भी यहाँ पर मैच एक भी मैच जीत नहीं पाया डोमिनिक मिस्टेरियो सिंगल मैच। तो गाइस यहाँ पर पिछली बार जो उन्होंने मैच जीता था डोमिनिक मिस्टेरियो वो भी 2023 में और दमिस के साथ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था और आज भी यहाँ पर बता रहा हूँ, निक्की क्रॉस ने एक बार फिर से WWE में रिसाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है मॉस को लेकर, मॉस की वाइफ एक बार फिर से यहाँ पर प्रेग्नेंट है और इन्होंने यहाँ पर साफ ये रिवील कर दिया है। तो गाइस ये रहे आज के कुछ न्यूज अपडेट और रूमर्स जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।